आज का विषय काव्य दोष है। काव्य दोष, जैसे कि आपको पता है कि रस का या मुख्य अर्थ में अगर किसी का भी जिसमें अपकर्ष हो जाए उसे हम दोष कहते हैं। दोष के फलस्वरूप रसास्वादन में हमें अवरोध होता है, काव्य उत्कर्ष का नाश होता है और काव्य स्वाद में विलंब होता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे काइंड्स हैं काव्य दोष के। और जो अब हमको चयित संस्कृति दोष आपको आज हम बताएंगे, पहले कि दोषों की संख्या हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हम आपको आज वो दोष बताएंगे, प्रमुख काव्य दोषों की क्या पहचान है और उसका परिचय, बाकी तो चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। तो उसमें जो है कहीं आपको सबसे पहले चयित संस्कृति दोष है, ये शब्द दोष के अंतर्गत आता है और व्याकरण विरुद्ध शब्द प्रयुक्त होने में चयित संस्कृति दोष होता है। और स्पष्टीकरण में आप इसको और स्पष्ट समझना चाहते हैं तो कभी कभी ये व्याकरण की अवहेलना बड़े बड़े कवि भी कर जाते हैं, और इस प्रकार के दोष से शिष्ट भाषा के अभ्यासी पाठकों को चोट सी लगती है, उसका ध्यान भाव से हटकर फिर भाषा की ओर चला जाता है। और ये व्याकरण संबंधी जो दोष होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी व्याकरण जब जैसे लिंग दोष है, वचन दोष है, कारक दोष है, संधि दोष है और प्रत्यय दोष है, जिसमें से एक दो उदाहरण हम बताते हैं आपको। जैसे सौंदर्य भरी मुस्कान तुम्हारी, मोह रही नित मानक मेरो। अब ये राकेश का है, इसमें जो सौंदर्य का प्रयोग है वो स्त्रीलिंग में हुआ है जबकि वो है पुल्लिंग। इसी तरीके से दूसरा है, मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला। तो ये आपका तुलसीदास का है, इसके उदाहरण में सीता और स्त्रीलिंग के साथ बोला। और ये आया, ये भी देखिएगा, पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग व्याकरण का विरुद्ध है, विरुद्ध ये दोष है। तीसरा जो आप एक उदाहरण मैं बता रही हूँ कि फूलों में लावण्यता देती है आनंद। अब ये देखिएगा, लावण्य खुद अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, तो ये लावण्यता का कोई औचित्य यहाँ नहीं था लेकिन आया है। तो ये व्याकरण विरुद्ध और ये चयुत संस्कृति दोष कहलाता है। इसके बाद जो दूसरा है आपका वो है आपका श्रुति कटुत्व दोष। हाँ, लिंग वचन, लिंग है, वचन है, कारक है, संधि दोष है और प्रत्यय दोष है। ये 5 तरीके के हैं जिनमें से मैंने आपको लिंग संबंधी और व्याकरण संबंधी जो है जैसे वो मैंने आपको बता भी दिए, बकायदा कारक दोष जिसे कहेंगे में। अब आपका श्रुति कटुत्व दोष आ रहा है। तो श्रुति कटुत्व दोष या दुश्रुत्व, इसको इस तरह भी बोलते हैं, कानों को जो चीजें अप्रिय लगती हैं, लगने वाले कठोर वर्णों का जो प्रयोग है वो श्रृंगार करुण आदि कोमल रसों में होने को श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। तो श्रुति कटुत्व दोष में जैसे टक से आवाज लगती है, इसमें टा वर्ड की आवृत्ति होती है, टाव है, रा है, रकार, ये युक्त जो होते हैं ये वर्ण, ये श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न करते हैं। लटिक लटिक लटकतु चलतु डटतु मुकुट की छाह, चटक भरियो नटु मिल गयो अटक भटक बट माह। ये बिहारी का है, इसमें टावड़ की आवृत्ति है इसलिए ये कानों को कुछ अच्छा सा नहीं महसूस हो रहा, तो ये श्रुति कटुत्व है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि वीर है, रौद्र है, भयानक है, इन रसों में भी टावड़ की आवृत्ति होती है या इनका प्रयोग बार बार होता है, तो वहां पर तो ये गुण हो जाता है। लेकिन जहां पर कोई चीज खूबसूरती बताई जा रही है, नायिका का सौंदर्य बताया जा रहा है, उसकी चाल के बारे में बताया जा रहा है, वहां पर ये रकार का प्रयोग जो होता है वो दोष न रहकर, फिर ये वहां कठोर वर्ड और रकार का प्रयोग यहाँ पर दोष न रहकर यहाँ गुण बन जाता है। जैसे हाट वाट कोट ओट अट्टनी अपार पौरी खौरी खौरी दौरी दौरी की नहीं अति लागी है, तो ये एक तरीके से गुण हो गया, टाही का प्रयोग है, लेकिन ये चूंकि लंका दहन का चित्र है तो ये यहाँ पर सूट कर रहा है, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इस तरीके से आप इसी में और भी देखिएगा कि भय क्रुद्ध जंद विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कस्मसे कोदंड धुनी अति चंड सुनी मनुजाद सब मारुते ग्रसे। ये तुलसी की लाइनें हैं और तुलसी की पंक्तियों में हम ये देखते हैं। फिर एक और भी उदाहरण अगर आप देखें तो डिंगती उर्वी अति गुर्वी सब पब्बे समुद्र सर व्याल
वधिरते ही काल विकल दिक्पाल चराचर, ये इस तरह के जो वर्ड हैं जो सुनने में हमको, तो ये आपके क्लिष्टित्व उसमें आएंगे श्रुति कटुत्व दोष में। इसके बाद आपका है दुष्क्रमत्व। तो जो दुष्क्रमत्व दोष है ये आपका काव्य में लोक या शास्त्र विरुद्ध जब कथन होता है तब वो दुष्क्रम दोष होता है। ये बहुत अच्छा है, दुष्कृत्म दोष आपका बहुत अच्छे से समझ में आपका आ जाएगा। सांसारिक व्यवहारों में हम जो व्यापारों में का जो क्रम होता है, अथवा शास्त्रीय नियमों के द्वारा कार्यों का जो क्रम माना जाता है, उस क्रम का ध्यान जब कवि अपनी रचना में नहीं रखता तब दुष्क्रमत्व दोष होता है। और इसमें है जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग ल जायो। अब यहाँ पर उत्तरोत्तर उत्कर्ष दिखाना भी था, परंतु उसमें क्या हो गया है, व्यतिक्रम हो गया है। ठीक कर्म क्या क्रम होता है, खगराज मारुत मन, मन के पश्चात खगराज वाया, तो वो आपका दुष्क्रमत्व दोष है। इसी तरीके से अब आपका है अधिक पदत्व और न्यून पदत्व दोष। अधिक पदत्व में मैंने बताया था कि काव्य के उद्देश्य में असहायक, जब भी अनावश्यक एक शब्द एक अलग सा आ जाता है, अनावश्यक शब्द जिसे कहेंगे, वो अधिक पदत्व दोष होता है। और तुम बड़े बड़े कवियों से अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, और अगर उसको निकाल दिया जाए तो भी उसके अर्थ पे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जैसे तुम निज स्वरूप में चिर महान, तो अगर आप इसमें देखिए निज और स्व एक ही बात कह रहे हैं, दोनों एक ही अर्थ का द्योतक है, तो दोनों का एक साथ जो प्रयोग है वो आपका अधिक पदत्व दोष कहलाएगा। इसी तरीके से जो न्यून पदत्व दोष है, अभीष्ट जो अर्थ होता है उसके वाचक शब्द के ना होने पर न्यून पदत्व दोष होता है। कभी कभी रचनाकार ऐसा लिख जाते हैं कि जैसे लगता है कि अरे ये यहाँ कम लग रहा है, अगर ये यहाँ होता तो ये संपूर्ण और कंप्लीट एक पंक्ति होती। जैसे यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, यहाँ जो मन वर्ड आया है उसके पहले तुम्हारा जो है ये वर्ड एकदम अनिवार्य सा है। इसके अभाव में ये पता नहीं चलता कि मन किसका है, कहने वाले का है या किसी और का है, तो यहाँ पर न्यून पदत्व दोष आपका माना जाएगा। इसी तरीके से आपके सभी कंप्लीट हो गए हैं, स्व शब्द वाच्यता बस रह गया है। इसका मतलब होता है कि जैसे रस संबंधी, रस है स्थाई भाव है और विभाव है स्व शब्द द्वारा, जैसे रस है स्थाई भाव विभाव, इनमें अगर खुद अपना ही लफ्ज आ रहा है तब वो आपका स्व शब्द वाचक दोष कहलाता है। जैसे रस जो है वो व्यंग्यार्थ है, रस का आस्वादन हम व्यंजना के द्वारा ही हो सकता है। श्रृंगार आदि का शब्दों में स्पष्ट कथन होना नहीं चाहिए, अगर हो जाता है तो फिर वो स्व शब्द वाच्यता दोष कहलाता है। जैसे हौ बलि चली वाको छिनक लीजे आजु निहार, उमगत है चहु और छवि मानहु रस श्रृंगार। अब इसमें रस भी आ गया है और श्रृंगार भी आ गया है लास्ट में, तो ये स्व शब्द वाच्यता दोष है, इसे आना नहीं चाहिए था। आपके कोर्स में जितने भी कोर्स थे वो सारे दोष कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप मुझे बताएं कि आपको समझ में आया। यस सर।